दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। तीसरे फेज का चुनाव जो है वो कल है, मतदान। सारी तैयारियां शासन प्रशासन ने कर ली है, चुनाव आयोग का जबरदस्त इंतजामात है। फर्स्ट और सेकंड में भी कहीं कोई हिंसा किसी तरह की नहीं हुई। थर्ड का भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। वर्ल्ड की कई टीमें आ चुकी हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देखने के लिए। आपको हम क्लियर कर दें कि जब कल मतदान हो जाएगा तो 280 सीटों में मतदान हो चुका होगा देश की, और 263 सीटें बाकी होंगी। टोटल 94 लोकसभा सीटों में मतदान होना था, मगर एक सीट सूरत की भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। बीजेपी के अगेंस्ट में जो प्रत्याशी पार्टियों के लड़ रहे थे, कांग्रेस बसपा, इन सब ने अपना नाम वापस ले लिया था और भाजपा को जिता दिया था सूरत से। अब 94 की जगह 93 सीटों पे मतदान हो रहा। हम आपको क्लियर कर दें कि मतदान को बढ़ाने की चुनाव आयोग ने, शासन प्रशासन ने हर जगह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ऐसी आशा की जा रही है कि प्रतिशत बढ़ेगा। अब किन किन राज्यों में चुनाव है ये आप देखिए। दादरा नगर हवेली में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, यूपी और बिहार, इन जगहों पे मतदान है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा पे मतदान चल रहा है या जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की। अब देखिए यूपी में क्या पोजीशन है। उत्तर प्रदेश में जो मतदान है वहाँ पे जो सीटें हैं उस पर हम आपको क्लियर कर दें। यहाँ पे दो लोगों के गढ़ हैं, मुलायम सिंह का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ है। कल्याण सिंह का यहाँ पे बहुत मजबूत गढ़ है एटा, और मुलायम सिंह का जो गढ़ है वो जो है मैनपुरी है। अब यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो प्रमुख सीटें जो हैं वो संभल, हाथरस जो है 80 सीट है, आगरा 80 सीट है, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, एटा, आंवला और बरेली। यहाँ जो मुख्य संघर्ष है वो सपा और बीजेपी में है। इन 10 सीटों पे कांग्रेस का उतना वो नहीं है, हालांकि कांग्रेस का कार्यकर्ता है वहाँ पे सब बातें बसपा का, मगर मुख्य टक्कर जो है वो सपा और बीजेपी में हो रही। कहीं कहीं त्रिकोणीय फाइट है वो भी बसपा से। हम आपको संभल एक ऐसी सीट है जहाँ से परमेश्वर लाल सैनी लड़ रहे हैं, परमेश्वर लाल सैनी उनको दिया गया, वहाँ पर भी प्रमुख फाइट उन्हीं से है। तीसरा आपको बता रहे हैं कि संभल में का इस समय जो स्थित है वहाँ पर आचार्य प्रमोद किशन और कांग्रेस की काफ़ी लॉबी, और संभल में बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी उनके साथ हो गई है। इस कारण वहाँ का चुनाव जो मैथ है वो जबरदस्त टक्कर का हो गया, क्योंकि आचार्य प्रमोद किशन का भाजपा को सपोर्ट करने से वहाँ पर सपा जो है अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मैनपुरी सीट जो है उसमें चूंकि परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट है, परंतु इस बार उन्हें टक्कर का सामना करना पड़ा। उसकी वजह है जो भाजपा ने कैंडिडेट लड़ाया है, दूसरा मुलायम सपा की ओर से, बसपा की ओर से एक यादव कैंडिडेट को लड़ा दिया गया, जिससे वहां पर ट्यूंगलर फाइट हो गई है। और सपा का जितना मजबूत गढ़ था वो मजबूत गढ़ बचाने के लिए सपा को अब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। एटा, आगरा, आंवला ये भाजपा की परमानेंट सीटें हैं, और यहाँ पर भाजपा का जो अस्तित्व है वो मजबूत दिख रहा है। मगर हालांकि सपा से फाइट है, आगे क्या पोजीशन होती है ये तो आगे रिजल्ट ही बताएगा। बंगाल में 4 लोकसभा सीटों का चुनाव है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखी जा रही है कि इस बार इन सभी सीटों में जो मेन जो संघर्ष चल रहा है वो भाजपा से ही टक्कर हो रही। कांग्रेस वहाँ पर जो है काफ़ी डाउन पोजीशन में हो गई, कम्युनिस्ट काफ़ी, और टीएमसी को अगर टक्कर ठोस मिल रही है तो वो बीजेपी की ही टक्कर है। नेताओं में जिनका प्रमुख जनाधार चल रहा वो चल रहा है राहुल गांधी जी का, मोदी जी का, बंगाल में ममता जी का, और यूपी में जो है वो मोदी, योगी जी, नड्डा जी, अमित शाह
और अखिलेश यादव, ये यूपी में होल्ड करना है, इनकी भी टक्कर है। वहीं मध्य प्रदेश में जो है और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे शिवराज सिंह जी और महारानी जोदेव जी, ये हैं मेन प्रमुख लोगों में। अब देखिए दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा, असम, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन जगह प्रमुख चुनाव हैं। प्रमुख जो सीटें हैं वो आपको बताना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संघर्ष और सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा की सीट है वो समाजवादी पार्टी के मैनपुरी की सीट है, और मैनपुरी के सीट में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है, चूँकि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को लड़ाया है काफ़ी मतलब कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा समाजवादी पार्टी को। वहीं पे आसाम में भी जो कुछ सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं मध्य प्रदेश में चूँकि गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया लड़ रहे हैं, वो भी वीआईपी सीट है। इन उसमें 5 वीआईपी सीटें हैं, मगर वीआईपी सीटों पे कोई प्रमुख संघर्ष नहीं दिख रहा। मैनपुरी में ज़रूर कांटे की टक्कर है, आगे क्या स्थित होती है ये रिजल्ट ही बताएगा। विदिशा में भी है, जो विदिशा में भी वो भाजपा की परंपरागत सीट है, वहाँ पे वास्तव में शिवराज सिंह चौहान मामा का जादू चल रहा है। और यूपी और बंगाल की जो स्थित है, बंगाल में पहली बार वहाँ पे दिख रही है बीजेपी जितने सशक्त रूप में। दूसरी वहाँ पे एक नई बात हुई है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने कैंडिडेट जरूर लड़ाए हैं। वहाँ पर टीएमसी का ये आरोप है कि कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट के लोग हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है वो अपना कैंडिडेट ना देख करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा टीएमसी का कहना है। टीएमसी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने, वह कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से, वह टीएमसी के तमाम लीडरों ने सामूहिक रूप से ऐसा कहा है कि अगर हमको वोट ना दो तो कांग्रेस की जगह बीजेपी का, ऐसा टीएमसी के लोग कह रहे हैं। यूपी में भी स्थिति यही है, यूपी में पहले जो फाइट हुई थी मैं आपको क्लियर कर दूं, 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और रालोद, तीनों लोगों का एक गुट था। अब जो स्थिति है वो दूसरी है। अब जो है सपा को अकेले लड़ना पड़ रहा, उसका मुख्य दोस्त या मुख्य गठबंधन का रालोद अलग हो गया जो भाजपा के साथ चला गया। दूसरी, जब इसके पहले 2019 में इनकी 15 सीटें आ गई थी, चूँकि बसपा का रालोद का इनका गठबंधन था, अब ये बसपा का गठबंधन अलग हो गया, बसपा सभी जगह अपने प्रत्याशी लड़ा रही, इस कारण जो है सपा जो है संघर्ष में आ गई है। अब देखिए रिजल्ट तो जब मशीन खुलेगी तभी पता चलेगा, मैं कुल मिला करके जबरदस्त कांटे की टक्कर है भाजपा के, हर जगह भाजपा हर राज्य में अलग अलग दलों से प्रमुख रूप से फाइट कर रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।